हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज, जो 7 से 8 हज़ार क्वेश्चंस है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेट हो, MP TET हो, MP Super TET हो, एंड चाहे अदर स्टेट के TGT PGT हो, KVS NVS हो, सभी का प्रिपरेशन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग विस्तृत रूप से करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल पे इन सभी से रिलेटेड थ्योरी सेशन, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज MCQs, वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन सभी के प्रैक्टिस कराए गए हैं, एंड डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, जिसका डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करके जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, जाके सर्च कर सकते हैं स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो दोस्तों, टाइम नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप सभी लोग अपना स्कोर चेक कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की स्थापना कब किया गया? तो SAI की स्थापना 25 जनवरी 1984 की किया गया। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में आकाश देवता किसे माना जाता था? तो दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में आकाश देवता जियस देवता को माना जाता था, एंड समुद्र देवता पोसिडॉन को माना जाता था, एंड अपोलो देवता सूर्य देवता को माना जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में समुद्र देवता किसे माना जाता था? तो पोसिडॉन को, और सूर्य देवता को क्या माना जाता था? अपोलो। नेक्स्ट है, खेलकूद में होने वाली क्षतियों के पूर्ण उपचार के लिए निम्न में किस पर निर्भर होना चाहिए? तो खेलकूद में होने वाली जो क्षति होती है, चोट होते हैं, उनके उपचार के लिए भौतिक चिकित्सा भी होना चाहिए और सुधारात्मक व्यायाम भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, पुनर्वास की 3 विधियां हैं, एक सुधारात्मक व्यायाम यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइज, दूसरा भौतिक चिकित्सा यानी शारीरिक चिकित्सा, एंड तीसरा आपका मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण यानी उसका उत्साह बढ़ाना। तो यहाँ पे जो दिया है 2 आपका, दोनों आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, यदि कोई खिलाड़ी मिचली महसूस करता है तो उसको क्या सलाह दी जाती है? मिचली यानी थोड़ा थोड़ा उल्टी उल्टी टाइप का, ठीक है, तो उसको क्या सलाह दिया जाता है? तो उसको बैठ जाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सूखा रोग से संबंधित है? तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानिए कि नॉक नी जेनुअलगम इसको बोला जाता है, जो घुटने सट जाते हैं, एंड पिजन चेस्ट जो हो जाए आगे सीना निकल जाता है, दोनों कंधे आगे की तरह निकल जाते हैं, उसे पिजन चेस्ट कहा जाता है, खरोच आपका एवरेजन है, कट लग छिल जाना, ऐसे जगह पर गिर जाना जिसे त्वचा छिल जाती है उसको एवरेजन कहते हैं, खरोच कहते हैं, त्वचा की चोट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बचा आपका एक ही ग, ओडिमा। ओडिमा किसी भी अंग के सूजन को ओडिमा कहा जाता है, सूखा रोग के कारण होता है, तो यहाँ पे ओडिमा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोच क्षति है, मोच यानी स्प्रेन जो है किसका क्षति है? दोस्तों, यह लिगामेंट के अत्यधिक खिंच जाने से होता है, लिगामेंट की चोट को हम कहते हैं मोच यानी स्प्रेन। तो इसमें क्या होगा, पेशी की नहीं होगा, पेशी और टेंडन की चोट तो आपका खिंचाव होता है यानी स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संधिबंध यानी लिगामेंट की चोट, संधिबंध यानी कि लिगामेंट की चोट। नेक्स्ट है, कंकालीय तथा मांसपेशीय तंत्र के संयुक्त तंत्र को क्या कहते हैं? तो कंकालीय तंत्र और कंकालीय तथा मांसपेशी तंत्र के संयुक्त तंत्र को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कंकालीय तंत्र एंड
मांसपेशी तंत्र के संयुक्त तंत्र को मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट है रोगात्मक दुर्बलता यानी पैथोलॉजिकल वीकनेस अथवा क्षति के परिणाम स्वरूप अस्थि भंग फ्रैक्चर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि स्थान भंग तो आपका डिसलोकेशन अपने स्थान से जोड़ों पर होता है जैसे कंधे का और हिप का अपने स्थान से खिसक जाता है। खरोच आपका एब्रेजर नहीं खरोच है ऐसे सतह ठोस सतह पे गिर जाने से जो रक्त त्वचा जो है छिल जाती है उसको कहते हैं। भारी रक्त स्त्राव किसी कारण ज्यादा कट जाने से भारी रक्त स्त्राव होता है। यहाँ पर आंसर नंबर सी करेक्ट होगा टूट फूट या फ्रैक्चर। टूट फूट या फ्रैक्चर जैसे कि फ्रैक्चर हड्डी का टूटना ही फ्रैक्चर कहलाता है। फ्रैक्चर जो है जैसे रोगात्मक अस्थि भंग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है कि रोगग्रस्त हड्डी का छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाना। तो यहाँ पे टूट फूट या फ्रैक्चर आपका राइट होगा। जो फ्रैक्चर होता है कुल 8 प्रकार होता है जैसे कि साधारण फ्रैक्चर जिसे सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं यानी कि इसमें हड्डी टूटता है बट त्वचा नहीं टूटती चमड़ी कटती फटती नहीं है। दूसरा होता है मिश्रित फ्रैक्चर जिसे कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। इसमें हड्डी टूट भी जाती है और त्वचा से बाहर निकल जाती है। एंड तीसरा होता है जटिल फ्रैक्चर यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर इसमें हड्डी टूट कर मुलायम अंगों जैसे फेफड़े हृदय गुर्दे आदि में घुस जाती है। चौथा होता है विखंडित फ्रैक्चर यानी कम्युनिटेड फ्रैक्चर यानी इसमें क्या होता है एक ही हड्डी का कई टुकड़े में टूटना यानी मुलायम ऊतकों में संक्रमण का इसमें खतरा बना रहता है। पांचवा है संघात फैक्टर इम्पैक्टेड फैक्टर जिसे कहते हैं इसमें हड्डी टूट कर दूसरे हड्डी में रगड़ खाती है। एक हड्डी टूट कर दूसरे हड्डी में रगड़ खाती है ठीक है यानी कि एक हड्डी का टूटा हुआ सीधा दूसरी हड्डी पर रगड़ खाता है। एंड छठवां होता है ग्रीन स्ट्रीक फैक्टर इसमें शिशु या छोटे बच्चों में होता है इसमें एक तरफ का टूट जाता है एक तरफ मुड़ जाता है ठीक है टूटता नहीं है मुड़ जाता है पूर्ण विकसित नहीं हो पाती है जिसके कारण किसी आघात से टूटती नहीं हड्डियां जो है मुड़ जाती है उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। एंड रोगात्मक अस्थि भंग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो होता है वह रोगग्रस्त हड्डी का छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाना यही फ्रैक्चर है आपका। नेक्स्ट है दबाव के कारण टूट फूट वियर एंड टियर सामान्य है तो यह आपका हो जाएगा वृद्ध व्यक्तियों में होता है अक्सर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है मानव की कोशिकाएं किसके कारण आपस में जुड़ी रहती हैं तो दोस्तों कोशिकाएं जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ढकी रहती हैं और एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है अक्षीय यानी एक्सियल अस्थि पंजर यानी स्केलेटल सिस्टम में अस्थियों की संख्या कितनी है। जैसे मानो अस्थि को दो भागों में बांटा गया है एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल और अपेंडिकुलर यानी कि उपबंधी कंकाल। तो एक्सियल कंकाल में 80 हड्डियां आती हैं जिसमें हमारा खोपड़ी की 29 हड्डियां जिसमें हमारा चेहरे की 14 कान की 6 और क्रेनियल बोन 8 एन एक हायर बोन कुल 29 हो गया एन हमारी 26 रीढ़ की हड्डी एंड 24 पसली होती हैं और एक उरोस्थी होता है इन सबको मिलाकर 80 हड्डियां होती हैं एक्सियल कंकाल में अक्षीय कंकाल में। एक क्वेश्चन आपका एमपी टेट में पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उपबंधी यानी ऑपेंडिकुलर स्केलेटल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है तो एक्सियल में 80 हो गई ऑपेंडिकुलर में हमारे अपर लिम या लोअर लिम आते हैं यानी दोनों हाथ और दोनों पैर आते हैं तो अपर लिम में दोनों हाथ और कंधे और हौसली आ जाता है जिसमें 64 हड्डियां होती हैं यानी 30 हड्डियां दोनों हाथों में 60 हो गया दो हौसली हो गया 62 हो गया दो आपका स्कंध हस्ति हो गया यानी कि कंधे की हड्डी स्केपुला 64 हो गया और लोअर लिम में आपके 30 पैर में
दो रुपए में मिलाकर 60 हड्डिया होगी और दो आपके कुल्हे की हड्डी 64-62, इस प्रकार कुल 126 हड्डिया होती है उपबंधी कंकाल में, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इस प्रकार 126-82-206 यानी मानव कंकाल में 206 हड्डिया होती हैं। निम्न से क्या नार्कोटिक एनालाइजिस दुर्ग नहीं है? तो दोस्तों नार्कोटिक्स क्या होता है? नार्कोटिक्स जो होता है वह दर्द सबसे ज्यादा दर्द निवारक होता है। यह पापी पौधे से निकले हुए ओपियम से तैयार किया जाता है। इसको कैरियर एडिंग इंजरी के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी इसका यूज करता है, जैसे कि ज्यादातर वेटलिफ्टिंग, भारोत्तोलन, इन सब चीजों में इसका प्रयोग होता है, खिलाड़ी करते हैं मुक्केबाजी भारोत्तोलन में, होता क्या है, ये उन खेलों में प्रयोग होता है जिसमें अधिक दर्द होने की संभावना होती है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए भारोत्तोलन में दाव लेने के पश्चात क्षमता से अधिक भारोत्तोलन में अगर हम भार उठा रहे हैं तो क्षमता से अधिक भार उठाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको दर्द हो ही नहीं रहा है, अपने क्षमता से अधिक उठा लेगा तो मांसपेशियां क्या होंगी, टूट जाएंगी, और कैरियर एडिंग इंजरी इसलिए इसको कहा जाता है। इसी के कारण 1963 में बाल्टीमोर कोर्स की मृत्यु हो गई थी। इसके अंतर्गत आता है मॉर्फिन, हेरोइन, पैथिडिन, एल्फाप्रोडाइन, एनिलेरिडाइन। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें से कौन नार्कोटिक्स एनालाइजिस्टिक दुर्ग नहीं है, तो यहाँ पे हेरोइन है, मॉर्फिन है, कोडाइन है, बट कोकीन नहीं है। कोकीन आपका स्टिमुलस यानी कि उत्तेजक के में आता है। कोकीन किस में आता है? स्टिमुलस यानी उत्तेजक में, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देता है। स्टिमुलस यानी उत्तेजक के अंतर्गत एम्फिटामाइन, बीटा 2 एगोनिस्ट, कोकीन, कैफीन, मिथाइल हेमाटिमाइन और एफिडिन आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रसायन जिसके सेवन से तनाव की स्थिति समाप्त होती है और शांति मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से पहला है ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स क्या करता है? यह शरीर के भार को कम कर देता है एंड मासिक धर्म टाइम में परिवर्तन करता है। डोपिंग को छुपाने के लिए काम होता है। तो ड्यूरेटिक्स एक काम करता है, शरीर से समस्त जल को निकाल देता है। एंड जिसमें नार्कोटिक्स है, दर्द निवारक का काम करता है। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है, जिसको हम शॉर्ट में ईपीओ बोलते हैं, यह पेप्टाइड हार्मोन ग्रंथियों से उत्पादन होता है। आरबीसी, इसका संबंध आरबीसी उससे होता है, ईपीओ यानी इरिथ्रोपोइटिन का। इसका कार्य है आरबीसी की संख्या को बढ़ाना या नियंत्रित करना, जिसके कारण सहनशीलता व स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगा, हमारे पेशियां ज्यादा ऊर्जा बनाएंगी और ज्यादा सहनशीलता हमारे अंदर आ जाएगा, ज्यादा समय की क्रियाएं हम आसानी से कर लेंगे, तो इंड्योरेंस डेवलप हो जाता है इससे। ठीक है, आपका बचा आपका ऑप्शन नंबर घ, तो यह रसायन जिसके सेवन से तनाव की स्थिति समाप्त होती है और शांति मिलती है, ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा, सेडेटिव्स। नेक्स्ट है, मांसपेशी के फाइबर में किसके कारण धारीदार चिन्ह दिखाई देती हैं? तो दोस्तों कंकाल मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन होता है। एक्टिन का मायोसिन के ऊपर स्लिप करना, खिसकना के कारण ही हमारी मांसपेशियां संकुचित और प्रसारण होती हैं। तो किसके कारण इसमें कॉर्ड्स दिखाई देते हैं, धारियां दिखाई देती हैं? तो मायोसिन के कारण। किसके कारण? मायोसिन के कारण। नेक्स्ट है, सिर को कंधे के दाएं और बाएं झुकाना कौन सी गति है? तो सिर को दाएं और बाएं झुका रहे हैं यानी कि फ्लेक्शन हो रहा है, तो पार्श्विक फ्लेक्शन यानी कि बगल में को हम कहते हैं पार्श्विक, तो पार्श्विक फ्लेक्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा, लेटरल फ्लेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, पार्श्विक आकुंचन, लेटरल
फ्लेक्शन। नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा गति का नियम एक अन्य नाम है। तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम का नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इन्होंने तीन गति के नियम दिए हैं। पहला नियम का नाम है जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्सिया। दूसरा है संवेग का नियम, लॉ ऑफ इंपल्स या मोशन या एक्सीलरेशन। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट व्यक्ति अभिरुचि रखते हैं। तो ये ज्यादातर अपने में रुचि रखते हैं और एक्सट्रोवर्ट सभी में सामाजिक होते हैं। यानी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी बहुमुखी में व्यक्तित्व को बांटा है कार्ल युंग ने। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एमपी टेट में आया हुआ था। नेक्स्ट है किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किससे प्रभावित होता है। तो सबसे ज्यादा किशोरावस्था में समकक्ष समूह से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है एकाग्रता संकीर्तन मार्ग है। तो एकाग्रता संकीर्तन मार्ग किसका है, ध्यान का, मेडिटेशन का, इससे असीम एकाग्रता आती है। नेक्स्ट है सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन एक्सट्राडिशन सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है, संबंध प्रत्यावर्तन। एंड इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। यह है, इसको दिए हैं पावलाव ने। इसको किसने दिया है, पावलाव ने दिया है। कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत फीडबैक किसके द्वारा सुविधाजनक बनता है। तो व्यक्तिगत फीडबैक जो होता है वो गतिबोधक डायनेमिक नॉलेज के द्वारा सुविधाजनक बनता है। नेक्स्ट है समवर्ती फीडबैक कोरेस्पोंडिंग फीडबैक नौसिखिया को दिया जाता है। तो जो समवर्ती फीडबैक होता है वो नौसिखिया को कार्यशीलता के दौरान दिया जाता है। नेक्स्ट है उपलब्धि उत्प्रेरण अचीवमेंट मोमेंट मोटिवेशन का संबंध किससे है। तो उपलब्धि उत्प्रेरण यानी अचीवमेंट मोटिवेशन का संबंध जो है वह व्यक्ति की आवश्यकता से है। किससे है, आवश्यकता, किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी अंदर से हमको क्या होगा, मोटिवेशन आता है। नेक्स्ट है टर्मिनल फीडबैक नौसिखिया को दी गई सूचना है। तो टर्मिनल फीडबैक जो है कार्यशीलता के पश्चात दिया जाता है और समवर्ती फीडबैक कार्यशीलता के दौरान दिया जाता है। नेक्स्ट है अवसरों की समानता तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व निम्न प्रशासन में दिया गया है। तो यह दिया गया है प्रजातांत्रिक प्रशासन, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे निम्न कारक प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक करता है इसमें, प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित, सांस्कृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक, राजनीतिक कारक। ये तीनों कारक प्रभावित करते हैं, निर्धारित और प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ किया गया। तो भारत में निरीक्षण पद्धति जो है 1854 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ख राइट है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षा अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायता है, निम्न कथन किसका है। यह कथन है W. किम्बल का। क्या इन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षा अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायता है। W. किम्बल ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा अधिगम परिस्थिति का कारक सुधार करना है। यह कथन किसका है, यह कथन है, कथन है विलियम ए ईगर का। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन दशाओं का अध्ययन करने तथा उनमें उन्नति करने से संबंधित होती है जो सीखने तथा छात्र विकास बहु और व्याप्त है, निम्न किसका कथन है। तो यह कथन है बार ए बर्टन और हुकरन का।
नेट है एक पर्यवेक्षक यानी सुपरविजर में निम्न गुण होता है, तो एक पर्यवेक्षक और सुपरविजर में उदारता भी होना चाहिए, उत्तम चरित्र होना चाहिए, रचनात्मक नेतृत्व यानी क्रिएटिव लीडरशिप होना चाहिए, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट संस्थागत नियोजन, उनके कार्यक्रमों का जोड़ है जिनके संस्था द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध संस्थानों के आधार पर तैयार किया जाता है। यह किसका कथन है? यह कथन है एच सी बूच का। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 26 सितंबर 1985 में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? तो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का अध्ययन 1954 में किया गया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स यानी अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन किया गया 1954 में। नेक्स्ट है कुंजरू समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कुंजरू समिति की स्थापना किया गया 1959 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1956 में किया गया। कब किया गया? 1956 में। नेक्स्ट है बाल भवन सोसाइटी भारत की स्थापना किस वर्ष में हुआ? तो बाल भवन सोसाइटी भारत की स्थापना 1957 में हुआ। नेक्स्ट है कुंजरू समिति ने अपने सुझावों से सरकार को किस वर्ष परिचित कराया? तो कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में हुआ और कुंजरू समिति ने अपना सुझाव सरकार को कब सौंपा, परिचित कराया? तो 1963 में। नेक्स्ट है निम्न सुझाव कुंजरू समिति ने सरकार को दिया, तो कुंजरू समिति ने सरकार को क्या सुझाव दिया 1963 में? कि मनोरंजन प्रिय व्यापार को अपनाना चाहिए, प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट को अपनाए, ठीक है NCC। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है मनोरंजन का अत्याधुनिक उपकरण क्या है? मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सभी है राइट आपका। नेक्स्ट है कि खिलाड़ी को अपने मनोवैज्ञानिक दशा, शरीर कार्य की दशा, क्षमता, योग्यताओं आदि को नहीं बना पाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि खिलाड़ी को स्वयं की योग्यताओं परिचित कराकर एवं विकास करके खेल प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान प्रदान करो, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया भी कहलाती है निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण यानी स्पोर्ट ट्रेनिंग की मुख्य विशेषताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कितने प्रकार की होती है आपको देखना पड़ेगा कि जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, यह किसने लिखा है? जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है हैरे वैज्ञानिक ने, हैरे वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एक पुस्तक लिखी गई है हैरे वैज्ञानिक के द्वारा, यह कौन से सन में प्रतिपादित किया गया? तो यह 1957 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया था? तो खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था बेनफील्ड स्क्रोटर ने। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था? तो यह 1979 ईस्वी में
प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का क्या नाम है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात अहमदाबाद में है। तो दोस्तों ये था 50 MCQs क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस इस टाइम पूछे जाते हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो इसी तरह का प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।